आज बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल से एक दिन पहले यानी जो कल का दिन गुजरा उससे पहले 9.5 घंटे तक सीबीआई ने पूछताछ की है, लेकिन जो इनकी बॉडी लैंग्वेज थी और अगले दिन जो विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया इन्होंने, और ये विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का भी एक इनका ऐसा एक ढोंग और पाखंड बन गया है कि जो ये बाहर कैमरों पर नहीं कह पाते हैं या नहीं कह सकते हैं, मानहानि के मामले में ना फंस जाएं, इसलिए ये विधानसभा के पटल का एक तरीके से मिसयूज करते हैं जब इन्हें प्रधानमंत्री पर या अपने विरोधियों पर किसी तरह के हमले करने होते हैं या डेरोगेटरी शब्दों का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। सब जानते हैं कि सदन में 60 से ज़्यादा MLA तो इन्हीं के हैं, तो वहाँ जो चाहते हैं वो बोलते हैं और शायद आत्मसंतुष्ट होते हैं। शायद एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जिसको मोदी विरोधी कह सकते हैं या भाजपा विरोधी कह सकते हैं, उसको एड्रेस करने की भी ये कोशिश करते हैं। ये पूरा मामला क्या है ये तो हम और आप सब जान ही चुके हैं, अब तक उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं, दोहराने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अब सवाल खड़ा हो रहा है ये कि पहले दौर की पूछताछ सीबीआई इनसे भी कर चुकी है, क्या अरविंद केजरीवाल की भी शराब घोटाले में उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? एक दौर की, दो दौर की और पूछताछ होगी, शायद मनीष सिसोदिया और विजय नायर और कुछ दूसरे लोगों के सामने बैठा करके भी इनसे कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, और उसके बाद बहुत संभव है कि इनका भी वही हश्र हो जिसकी आशंका ये खुद जता चुके हैं कि मुझे गिरफ्तार करने की तैयारियां कर रही है मोदी सरकार, यानी विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश। मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनको जोड़ लेते हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से राजीव रंजन झा और मनीष ठाकुर, आप दोनों का ही स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष जी, मैं आपके पास आता हूं सबसे पहले। जो बॉडी लैंग्वेज आपने केजरीवाल की देखी जब ये 9.5 घंटे की पूछताछ के बाद बाहर निकले और इनके बराबर में खड़े हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के चेहरे की जो हवाइयाँ उड़ी हुई थी वो भी हमने और आपने नोट की हैं, लोगों ने नोट की हैं। अगले दिन विशेष सत्र बुला करके सदन में बड़ा संक्षिप्त सा भाषण दिया, आमतौर पर ये छोटा भाषण देने के आदि हैं नहीं, और वो जोश खरोश या वो बहादुरी भी इनके भाषण से गायब थी। एक किसी राजा की एक काल्पनिक कहानी के जरिए इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक करने की कोशिश जरूर की। कुल मिलाकर के आपको क्या लग रहा है इनकी बॉडी लैंग्वेज से, इनके हाव भाव से, जिस तरीके से ये विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं उससे? सर, विधानसभा एक ऐसा पटल है उनके लिए जहां पर केजरीवाल को पता है कि वो कितने पावरफुल हैं। आज वहां विपक्ष नामक कोई चीज नहीं है, कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है, तो वहां पर वो बेसिकली बीजेपी वाले कहते हैं कि उपराज्यपाल को अपमानित करने के लिए किया। केजरीवाल वहां बीजेपी को अपमानित करते हैं और अपना एक अपने लोगों के बीच अपना मनोबल बढ़ाते हैं कि भाई मेरा कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि राजा जब पिट गया तो फिर प्यादों की कोई अहमियत रहती नहीं है। केजरीवाल को पता था कि क्या होना है, केजरीवाल को पता था कि उनकी गिरफ्तारी तय है, और ये सब भविष्यवक्ता ज्यादा है, नोएडा नेता के अपेक्षा भविष्यवक्ता ज्यादा है। जब सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी होती है तो उससे पहले केजरीवाल को पता चल जाता है, मनीष सिसोदिया को पता चल जाता है, वैसे ही जब सिसोदिया की गिरफ्तारी होनी होती है उससे एक महीना पहले केजरीवाल को पता चल जाता है, संजय सिंह को पता चल जाता है। अब केजरीवाल की जब गिरफ्तारी होनी थी तो संजय सिंह ने पार्लियामेंट से केजरीवाल को फोन कर दिया कि केजरीवाल जी आपकी गिरफ्तारी होनी है। अब इसमें जश्न संजय सिंह मना रहे थे कि सिसोदिया तो अंदर गया, सत्येंद्र अंदर गया,
तो हम ही हैं सबसे बड़े हुड़दंगी जो संसद भवन में राहुल गांधी के मुद्दे पर यदि कुराफात करते उत्पात करते यदि कोई राज्यसभा में दिखाई देता है, वैसे राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, गरिमा में सदन, पढ़े लिखे लोगों की सदन, लेकिन जब संजय सिंह जैसे लोग वहां पहुंचते हैं तो फिर क्या करते हैं, ये हम सब ने तस्वीरें देखी है। संजय सिंह की पहचान इसी रूप में हुई है। संजय सिंह को ऐसा लग रहा होगा कि केजरीवाल का तो अंदर जाना तय है, ये जाएगा ही जाएगा अंदर, तो अब मेरी बारी आ गई, क्योंकि अब सबको तो पहले केजरीवाल निपटा चुके हुए हैं, जो काबिल लोग थे सबको निपटा चुके हुए हैं, जिनको भ्रम था कि बहुत काबिल है वो, जो पैसा फंड कर चुके थे वो, चाहे वो अन्ना हो, चाहे वो शांति भूषण जी हो, जिनके पैसे इसमें लगे हुए थे, चाहे वो प्रशांत भूषण हो, चाहे वो कुमार विश्वास हो, सबको केजरी पहले साइड कर चुके थे, बाद में वो जेल में भेज करके बेहद अयोग्य मैं मानता हूं, क्योंकि पूरी टीम में सबसे अयोग्य जो व्यक्ति था वो मनीष सिसोदिया थे, तो उसको सब कुछ संभालने के लिए दे दिया, क्योंकि केजरीवाल को पता था कि काबिल लोग ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। वैसे वो रटते हैं, आजकल नया ड्रामा कर रहे हैं कि पढ़े लिखे ही लोगों की जरूरत है, काबिल लोगों की जरूरत है, उपराज्यपाल ने कोई पढ़ा लिखा लोग अपना यदि रख लिया होता तो उन्हें विशेष सत्र के बारे में पता चल रहा होता, ये पूरे गैंग को पता है कि केजरीवाल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स क्या है। इसीलिए केजरीवाल ने सबसे पहले अपने जाने से पहले इस संजय सिंह को निपटा दिया, उनके सीबीआई के बुलावा से पहले संजय सिंह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दिया और स्वीकृति दिलवा दी कि चार्जशीट में इनका नाम है, मतलब इनका जाना तय है, मतलब सीएम तो तुम नहीं बनोगे यदि हम जेल जाएंगे। इन सबको पता है कि यदि सिसोदिया जेल गए हैं तो केजरीवाल का जाना इस मामले में तय है, क्योंकि ये नीति कैबिनेट की नीति है, कैबिनेट का फैसला है, और बिना केजरीवाल के इशारे के यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिलता। यदि सिसोदिया को जमानत नहीं मिल रही है, बार बार नहीं मिल रही है, तो केजरीवाल को साफ लग गया कि उनको जाना है। अब केजरीवाल ने, इनको पता, केजरीवाल को मीडिया के बहुत खिलंदड़ है, इन्हें पता कि पत्रकार कहानी बनाते हैं, टीवी रिपोर्टर्स की मजबूरी होती है, हम सब ने टेलीविजन में काम किया, सीबीआई मैंने लंबे सफर मैंने भी कवर किया है, एक प्रेशर होता है न्यूज रूम से कि आपको वो मुझे 12 क्वेश्चन का चिट्ठा दे दो। अब रिपोर्टर क्या करता है, चार रिपोर्टर आपस में बैठते हैं और 12 कहानी बनाते हैं कि सीबीआई ने ये सवाल पूछा, केजरीवाल ने ये जवाब दिया, फिर ये सवाल, ऐसा कभी नहीं होता कि रिपोर्टर, किसी भी रिपोर्टर को कुछ पता चल जाए सीबीआई जैसी एजेंसी में कि उसने क्या सवाल किया, लेकिन एक पत्रकार अनुमान लगा लेता है कि सवाल क्या पूछा गया होगा, तो एक कहानी बनती। उससे पहले साथी केजरीवाल ने 56 बता दिए कि हमसे ये पूछा गया, वही सब सवाल पूछा गया जो सिसोदिया से पूछा गया। अब देखिए कि उनके जाने से पहले इनका दुर्भाग्य हुआ कि उसी दिन अतीक अहमद वाला कांड हो गया, तो जो ड्रामेबाजी इनको करनी थी महात्मा गांधी के समाधि से लेकर के जो काफिला लेकर के जाना था, अब सोचिए सर, जिस व्यक्ति का 67 विधायक को 70 में, जिस व्यक्ति का साम्राज्य हो दिल्ली में, रविवार का दिन हो, छुट्टी का दिन हो, और जब ये ड्रामेबाजी तो पूरा कहते कि पूरी दिल्ली उमर करके आ जाएगी, सीबीआई पूरा सीबीआई मुख्यालय को जो हाईजैक कर लिया जाएगा जैसे ममता बनर्जी के राज में होता है, लेकिन एक व्यक्ति इनके साथ नजर नहीं आया, तो इनको औकात पता चल गया कि सच क्या है, फैक्ट क्या है, और ऐसी स्थिति में केजरीवाल को इस साफ लग गया है कि अब उनकी गिरफ्तारी तय है, समय भले ही कितना भी लगे, इसीलिए सत्र बुला करके उन्होंने एक तरह से नया ड्रामा किया है अपने लोगों में ऊर्जा भरने का, लेकिन ड्रामेबाज केजरीवाल के भी ड्रामे का अंत होना, हर ड्रामे का अंत होना है, मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी सर इसका भी अंत हो जाएगा।